टू थ्री। एंड भाई अगेन शार्प एक्वा आज सेम एचपी से जीता है, तो अस्सलामु अलैकुम। हाँ तो भैया क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम फिट। तो भैया आज आपका भैया आ गए आप लोग के लिए एक और कंपैरिजन लेकर, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया होगा, काफ़ी लोग की डिमांड थी कि भाई आईफोन 8 प्लस का एक्वास आर टू से रिव्यू किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने एक्वास आर टू का आईफोन 7 प्लस से रिव्यू किया था तो आईफोन 7 प्लस काफ़ी पीछे रह गया था। बट हम सबको पता है कि आईफोन 7 प्लस और आईफोन 8 प्लस में काफ़ी डिफरेंस है। ये सपोर्ट करता है अल्ट्रा तक एंड ये सपोर्ट करता है एक्सट्रीम तक, एंड ये एक्वास आर टू है भाई ये भी हमें एक्सट्रीम तक सेम सपोर्ट करता है। बट जो इन दोनों की प्राइस में डिफरेंस है वो कम से कम 40,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों की प्राइस में, कम से कम बता रहा हूँ मैं। तो भाई ये चीज़ माइंड में रखना, ये मोबाइल है 50 से 60,000 रुपये का एंड ये है सिर्फ और सिर्फ 16-17,000 रुपये का। दोनों को दोनों पीटी अप्रूव नॉन अप्रूव दोनों मिल जाएंगे आप लोग को। अगर किसी भाई को कोई भी डिवाइस चाहिए हो, शार्प एक्वास आर टू, आईफोन 8 प्लस, आईफोन 7 प्लस, सोनी का एक्वास, मतलब सोनी का एग्जिट 3, एग्जिट 2, या कोई भी मोबाइल हो इसके अलावा, या इसके अलावा गैजेट्स हों जैसे हल्की फुल्की एंड फ्री हो, कन्वर्टर्स हों आईफोन के, एंड्रॉयड के कन्वर्टर्स हों टाइप सी वाले जो होते हैं, या ये स्लीव्स हो गए, या चार्जर वगैरह हो गए, या कुछ भी हो, मतलब ओवरऑल आप लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी। नंबर आप लोग के सामने चल रहा है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोगों से डील करूँगा। ऑल ओवर पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्टेड तो हम लोग हैं ही, तो कोई डरने वाली बात भी नहीं है। तो भाई आप लोग को हर एक चीज़ घर बैठे मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे एडवांस होते हैं, बाकी सब के सब पैसे आप लोग को कैश ऑन डिलीवरी पे ही पे करने पड़ेंगे, और ऑल ओवर पाकिस्तान होती है, आप लोग कहीं से भी होगे आप लोग को चीज़ मिल जाएगी घर पर बैठे बैठे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, लेट्स सी ये दोनों मोबाइलों का कंपैरिजन कैसा रहता है। मुझे उम्मीद है मज़ा आएगा कंपैरिजन करने का, क्योंकि आईफोन 7 प्लस से एक्वास आर टू जीत गया था लास्ट टाइम, एंड अगेन ट्राई करते हैं भाई कौन सी डिवाइस ज़्यादा अच्छी है। अब दोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट करेंगे हमेशा की तरह हम, एंड हर एक चीज़ हम भाई दो दो बार करेंगे, दो बार पबजी ऑन करेंगे, हर एक चीज़ दो बार करेंगे, कोई भी चीज़ एक बार नहीं करेंगे। पबजी दो बार ऑन करेंगे, बुलेट दो बार चेक करेंगे, स्नैपर की बुलेट दो बार चेक करेंगे। देख लो भाई इसमें वाईफाई कनेक्ट है बुट्टो, उसमें भी वाईफाई कनेक्ट है बुट्टो, दोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट है, कनेक्ट करते हैं इसमें वाईफाई, देख लो दोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट है बुट्टो नाम का, ठीक है। देन हम बाहर चलते हैं, किसी में पबजी लोड नहीं है, दोनों कम बंद करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं पबजी स्टार्ट। बाकी इनके अगर आप लोग को अलग अलग से रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है रिव्यूज़ वगैरह। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं दोनों को एक साथ, लेट्स सी कौन सी पहले स्टार्ट करती है, कौन सी बाद में स्टार्ट करती है। ऊपर है हमारा आईफोन 8 प्लस, नीचे है हमारा एक्वास आर टू, काफ़ी दूर स्क्रीन हो रही है, मुझे थोड़ा घुमाना पड़ेगा अगेन। वन, देख रहे हो भाई मेरे हाथ दोनों के ठीक है ऊपर ही हैं, 1 2 3 एंड दोनों पर भी एक साथ क्लिक हुआ है। लेट्स सी कौन से पहले पबजी लोड करती है, ऊपर वाला है हमारा आईफोन 8 प्लस एंड ये है एक्वास आर टू। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हो सके तो चैनल को प्लीज़ लाइक भी कर देना, वीडियो को 500 लाइक पूरे कर देना इस वीडियो पे। एंड लेट्स सी कौन सा मोबाइल पहले पबजी लोड करता है, भाई अगेन शार्प एक्वास आर टू पहले पबजी लोड कर गया, मुझे उम्मीद नहीं, आईफोन 8 प्लस शार्प एक्वास आर टू, लेट्स सी शार्प एक्वास आर टू पहले पबजी लोड कर गया भाई, देख लो ठीक है। एंड हालांकि मुझे स्टार्ट में लगा था कि शायद आईफोन 8 प्लस पे मैंने पहले क्लिक कर दिया, बट भाई नहीं, चलो अगेन ट्राई करते हैं एक बार। ये हमारा भाई सेकंड ट्राई एंड लास्ट ट्राई, इसके बाद हम सिर्फ बुलेट वगैरह देखेंगे, दोबारा पबजी लोड नहीं करेंगे। 1 2 3 देख लो भाई, ठीक है, जब क्लिक करता हूँ तो ये एक्वास आर टू थोड़ा लेट अपना खोलता है, मतलब पबजी, फिर फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि शायद मैंने गलती कर दी, बट नहीं सही था वो भी। अगेन फर्स्ट टाइम भाई एक्वास आर टू जीत चुका है, ठीक है, अब सेकंड टाइम है, ये लास्ट ट्राई है, इसके बाद हम बुलेट वगैरह चेक करेंगे, देन स्नैपर वगैरह की बुलेट मार के चेक करेंगे। जब हमने आईफोन 7 प्लस से किया था एक्वास आर टू का, तो भाई दोनों बार एक्वास आर टू जीता था हर एक चीज़ में। एंड अगेन भाई एक्वास आर टू पहले पबजी लोड कर गया, देख लो आप लोग के सामने है, वाईफाई दोनों में बिल्कुल सेम है। तो चलो भाई, मतलब पहला जो मुकाबला है वो एक्वास आर टू जीत चुका है। एंड अगेन सेकेंड ट्राई अब करेंगे हमारा रूम बना के,
एंड ग्राफिक्स की जहाँ तक बात करते हैं दोनों के, लेट्स सी ग्राफिक्स कहाँ कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। एंड भाई जो ग्राफिक्स एक्वास R2 के हैं वो हमें सपोर्ट कर रहा है, एक्वास R2 लॉबी ग्राफिक्स चलते हैं। गेम और लॉबी ग्राफिक्स सेम होते हैं, स्मूथ पे एक्सट्रीम। एंड आईफोन 8 प्लस का चेक करते हैं अब ये हमें क्या सपोर्ट कर रहा है। सेम भाई दोनों के दोनों ठीक है, हमें स्मूथ पे एक्सट्रीम सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आगे, अब बैलेंस अल्ट्रा एच डी अल्ट्रा। तो मतलब भाई इस चीज़ों में दोनों के बिल्कुल बिल्कुल सेम है। एंड बट जो पबजी ओपन करने में जो स्पीड टेस्ट था भाई उसमें एक्वास R2 जीत चुका है, ठीक है। एंड अब बनाते हैं एक छोटा मोटा रूम और देखते हैं भाई किसकी बुलेट पहले होती है, रजिस्टर किसकी होती है बाद में। आप लोग रह के चलते हो मैं डायरेक्ट रूम में ताकि टाइम ज़ाया ना हो आप लोग का। हाँ तो भाई रूम बन गया, देख लो आप लोग के सामने है रूम, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले पिंग आप लोग को, सेम वाईफाई है तो पिंग भी सेम आएगी। फिलहाल ये है आईफोन 8 प्लस, इसकी पिंग आ रही है 88। एंड ये है हमारा शार्प एक्वास R2, इसकी पिंग आ रही है 88। तो भाई ये भी एक प्रूफ है कि हमारा वाईफाई बिल्कुल सेम है, कोई टोपी ड्राम वाली सीन नहीं है, दोनों का बिल्कुल हेड पर एम है, ठीक है। हम हर एक चीज़ दो बार ट्राई करेंगे, दो बार AR, दो बार स्नैपर। तो चलो भाई बिना टाइम जाए करें पहली बार स्टार्ट करते हैं, 3 2 1। एंड भाई शार्प एक्वास R2 जीत चुका है, देख लो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डिवाइस। ये डिवाइस है शार्प एक्वास R2, देख लो भाई। मुझे उम्मीद थी कि आईफोन 8 प्लस जीत जाएगा मगर नहीं भाई, शार्प एक्वास R2 जीत गया। अब दोनों के हम हेलमेट बस चेंज करते हैं। एंड ये हमारा भाई सेकंड टाइम ट्राई, देखो आप लोग मैंने हेलमेट वेस्ट दोनों का बिल्कुल चेंज कर दिया। ये है हमारा 8 प्लस का हेलमेट वेस्ट एंड ये है शार्प एक्वास का हेलमेट वेस्ट। एंड भाई शार्प एक्वास तो हर एक मोबाइल से जीतता जा रहा है, इसका मुझे लग रहा है आईफोन XR से भी करना पड़ेगा एक बार। तो चलो भाई 1 2 3। एंड भाई अगेन शार्प एक्वास सेम HP से जीता है, तो मतलब कोई टोपी ड्रामा नहीं हुआ, कोई पहले क्लिक नहीं हुआ, कोई लेट क्लिक नहीं हुआ, दोनों का MS बिल्कुल सेम है, दोनों का MS बिल्कुल सेम है। तो मतलब भाई AR में भी शार्प एक्वास R2 जीत चुका है आईफोन 8 प्लस से, सेकंड टाइम ये हो गया है। तो मतलब दो बार स्पीड टेस्ट में भी जीत गया था, अब दो बार AR में भी जीत चुका है। अब चेक करेंगे हम लोग लास्ट दो बार स्नैपर का। हाँ तो भाई देख लो अब हम आ गए हैं स्नैपर लेकर, दोनों पे मैंने रेड डॉट लगा दिया। लास्ट वीडियो जो मैंने कंपैरिजन किया था कुछ दिन पहले शार्प एक्वास R2 का सोनी X3 से 6S स्कोप यूज़ किया, इसीलिए उसका डैमेज ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, अगर ऐसा हो तो चाइनीज प्लेयर पागल हैं, 100 100 मीटर दूर रेड डॉट से स्प्रे करें, वो स्कोप लगा के ना स्प्रे कर दें। तो खैर भाई लोगों का काम है बातें करना। एंड हम अगेन स्टार्ट करते हैं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं अगेन दोनों को रेड डॉट लगा के ले आया हूँ। तो चलो भाई ट्राई करेंगे दो बार ये भी, 3 2 3 2 1। एंड भाई अगेन शार्प एक्वास R2 जीत चुका है, देख लो मतलब उसने आईफोन 8 प्लस का डैमेज रिकॉर्ड होने नहीं दिया। अब हम अगेन ट्राई करेंगे, अगर इस बार आईफोन 8 प्लस जीतता है तो हम स्नैपर का एक और बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं जीतते तो हम स्नैपर का ट्राई नहीं करेंगे। एंड ये है हमारा आईफोन 8 प्लस, देख लो इसके हेलमेट वेस्ट बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, अगेन क्योंकि मर के दोबारा आ चुके। चलो अगेन भाई देखो लास्ट ट्राई कर रहे हैं आगे, ठीक है। अगर आईफोन 8 प्लस जीतता है तो थर्ड ट्राई होगी, वरना बस ये लास्ट ट्राई है हमारी आज की। अभी तक हर एक चीज़ में शार्प एक्वास R2 जीत चुका है। तो चलो भाई लास्ट ट्राई है, 3 2 1। एंड इस बार भाई आईफोन 8 प्लस जीता है, अब अगेन ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम जैसा मैंने कहा था, मुझे नहीं पता क्यों जीता, कैसे जीता, हो भी सकता है भाई क्लिक में थोड़ा फ़र्क आ रहा हो, बट जो AR था उसमें क्लिक में फ़र्क नहीं आया, मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों बार सेम HP से जीता था शार्प एक्वास R2 उसमें। तो अगेन खैर अब लास्ट ट्राई करेंगे, अब इसका जो भी जीता वो सिकंदर। एंड ये हमारा भाई आज का लास्ट ट्राई, ठीक है। दोनों से हम स्कोप रिमूव कर देते हैं ताकि लोग ये ना बोले कि भाई नहीं आपने उसको अच्छा दिखाने के लिए ये कर दिया। भाई हमारा काम है मोबाइल सेल करना, हमें जो अपना अलहमदिल्ला हक हलाल का है दोनों में बचना है, ये नहीं हम एक मोबाइल को अच्छा दिखाएंगे एक मोबाइल को बुरा दिखाएंगे, लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। तो खैर भाई चलो लास्ट ट्राई है हमारी, ठीक है, 3 2 1। एंड भाई अगेन देख लो शार्प एक्वास R2 जीत चुका है, तो मतलब शार्प एक्वास R2 आईफोन 8 प्लस को भी हरा चुका है। तो चलो भाई ये था हमारा आज का छोटा मोटा रिव्यू। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड किसी भाई को कोई भी मोबाइल चाहिए हो या कोई भी गैजेट चाहिए हो, नंबर आप लोग के सामने है, कॉन्टैक्ट करके आप लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोग को शार्प एक्वास R2 का रिव्यू चाहिए तो भाई मैंने ऑलरेडी रिव्यू इसका किया हुआ है, नीचे मैंने लिंक दे दिया, आप लोग रिव्यू वगैरह देख लो, इसकी अनबॉक्सिंग हर एक चीज़ देख लो। बहुत सस्ती डिवाइस है भाई, बहुत कमाल डिवाइस है ये। अगर अभी भी कुछ भाइयों को शक है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी तरफ से। अब
आप लोग बता देना कि इसका नेक्स्ट किस डिवाइस से रिव्यू करें भाई, ये तो हर एक डिवाइस को हराता जा रहा है। सोनी एग्जिट 3, आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8 प्लस, हर एक डिवाइस को इसने हरा दिया है। बट मैं फिर भी बोलूँगा भाई आईफोन आईफोन है, आप इसमें स्ट्रीम कर सकते हो, आप इसमें लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो, आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, हर एक चीज़ में आईफोन बेस्ट है। तो चलो भाई खैर, ये था हमारा छोटा मोटा रिव्यू। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।